हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोमा कैपिनेले और दोस्तों रोमा रॉयल्स के बीच खेले जाने वाले दोस्तों आज के ECS रोम T10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों रोम T10 का मैच नंबर 11 खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बात करेंगे दोस्तों उन सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में रखना है, और बात करेंगे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में लेकर के चलना है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और अभी तक जो भाई लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जाओ बिल्कुल और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम पे ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टॉस एंड लाइनअप के अपडेट होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना रहेगा मैं आपको बताऊँगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर मुझे लगे कि मुझे आप लोग को सेंड करना चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ। साथ ही दोस्तों मेरी जो टीम आती है जिसमें आप थोड़ा बहुत भी चेंजेस करोगे इस वीडियो को देख करके, तो खुद की एक अच्छी टीम बना सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप लोग टेलीग्राम पे बिल्कुल आ जाओ यार, बाकी सब लोग को भी फ़ायदा मिल रहा है, आप लोग को भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में है, दोनों जगह दिए हूँ टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप लोग ज्वाइन होना। तो चलिए दोस्तों बात करें मैच के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से जो स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखना, स्किप मत करना। चलिए बात करें तो अब देखो 11वां नंबर का मैच रहेगा, RC और ROR के बीच में खेला जाएगा। 12:45 मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू रहेगा दोस्तों इटली रोम का, और पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो एक बैलेंस सरफेस ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा थोड़ा, लेकिन फास्ट बॉलर को यहाँ पे कभी कभी हेल्प भी देखने को मिलता है किसी किसी मैच में, ठीक है। बात करें यहाँ पे वेन्यू रिकॉर्ड की दोस्तों, तो देखो इस वेन्यू पे अभी तक 10 मैच खेले गए हैं लास्ट, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 5 मैच, बैटिंग सेकंड ने 5 मैच विन किया, मतलब 50-50 रहा है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा खासा स्कोर भी बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड की बात करें देखो दोनों टीमों के बीच में, ठीक है, आज जो दो 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 टीमों के बीच में जो मैच हो रहा है, तो दोनों टीमें 5 मैचेस खेली हैं, जिसमें दोस्तों RC ने 0 मैच जीता है, एक भी मैच नहीं जीता है, ठीक है। और ROR ने दोस्तों दोनों मैच विन किया है, ठीक है। तो ROR की टीम तो स्ट्रांग है ही, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना, इस हेड टू हेड रिकॉर्ड को आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एवरेज स्कोर आपको 80 से 123, मतलब 123 24 25 है ना, 130 रन के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिलता है यहाँ पे। बात करें दोस्तों टीम RC के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों टीम RC की तरफ से केविन केकुला वाला है, और उनके साथ दोस्तों एमी गुलम है, ये दोनों आपको मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करते दिखेंगे। केविन केकुला वाला है एक प्लेयर, काफ़ी बढ़िया है, जो कि दोस्तों 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी करा रहा है, साथ ही दोस्तों ओपनिंग पे बैटिंग करने के लिए आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना, T10 के अंदर अच्छा खासा रिकॉर्ड भी है बॉलिंग से लेकर के बैटिंग तक का, ठीक है। और अभी तक दोस्तों इस सीरीज़ में इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस आया है। देखो विकेट्स यहाँ पे अच्छे खासे इसको मिल चुके हैं, साथ ही दोस्तों ये रन भी अच्छा खासा कर लेता है 15-39, बाकी दो मैचेस में तो उतना अच्छा खासा नहीं किया है, बाकी लेकर के चलेंगे। एमी गुलाम है T10 के अंदर दोस्तों 14 का एवरेज है, और अभी तक दोस्तों एक 41 रन की जो इनिंग है इसकी सबसे बड़ी इनिंग थी, बाकी दोस्तों बाकी के मैचेस में उतना बड़ा इनिंग नहीं खेला है। तो एक डिफरेंशियल रहेगा, अगर इसको ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप करके भी चल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन दोस्तों ओपनिंग पे बैटिंग करने आएगा तो कभी भी अच्छा इनिंग खेल करके जा सकता है। डेन करवाई है दोस्तों, देखो 13 मैचेस 159 रन, 13 का एवरेज है, और अभी तक देखो 13 रन की इनिंग इसकी ज़्यादा रही है, लेकिन लास्ट के दोनों मैचेस में ये बॉलिंग किया है। हालांकि इसका बॉलिंग उतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन T10 के अंदर देखो जो बॉलिंग करेगा दोस्तों उसको कभी भी विकेट्स मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। T10 एक ऐसा गेम होता है, तो ट्राई करना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकता है डेन करवाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मिचेले मोरेटिनी है, जिनका दोस्तों बॉलिंग A1 है और बेहतरीन बॉलिंग करता है, फर्स्ट मैच में विकेटलेस रहा, उसके बाद 2 विकेट 1 विकेट, यहाँ पे दोस्तों लास्ट मैच में भी विकेटलेस रहा है, लेकिन दोस्तों इसकी बॉलिंग मुझे अच्छी लगती है, लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, और ड्रॉप करना चाहो तो आपके ऊपर रिस्क रहेगा, आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों इनका जो टॉप ऑर्डर का बॉलिंग है ना बहुत बढ़िया है इनका। आमिर हमज़ा है, आमिर हमज़ा का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12 रन प्लस 1 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट है प्लस 2 ओवर डाल के, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 59 रन्स किए हैं जिसमें विकेटलेस रहा था, यहाँ पे 41 रन प्लस 1 विकेट 2 ओवर डाल के, तो दोस्तों ये भी 2 ओवर की बॉलिंग पूरी पूरी कराता हुआ दिखेगा आपको। एक बढ़िया प्लेयर है जिसका वाइस कैप्टनसी देना चाहो तो रिस्क लेकर के इसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिंड्रो जयराजा हैं, इनको
लेना चाहो तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छा बेटर ऑप्शन नहीं दिखता तो इनको लेकर के चल सकते हो, क्योंकि ये विकेट कीपिंग कराता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। थोड़ा से थोड़ा मिडिल ऑर्डर पे ये बैटिंग करने आ जाता है। दिनेश सिल्वा है, ड्रॉप करके चलेंगे, जब तक टीम एक्सपेरिमेंट ना करे इसको बॉलिंग नहीं मिलेगा। अगर टीम इस एक्सपेरिमेंट करेगी तो दोस्तों इसको बॉलिंग दे सकता है, ठीक है। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करते हुए अच्छा खासा स्कोर कर दी तब, ठीक है। कार्तिक राघवन है, इनको भी ड्रॉप करके चलूँगा, ठीक है। इनको भी बॉलिंग के चांसेस नहीं है जब तक इनकी टीम कोई एक्सपेरिमेंट ना करे, ठीक है। बिलाल खान दो ओवर की बॉलिंग करने वाला प्लेयर, देखो यहाँ पे 4 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट, लेकिन लास्ट के दोस्तों दोनों मैचेस में विकेटलेस रहा है। स्टार्टिंग जो किया था दोस्तों बेहतरीन किया था, लेकिन लास्ट के दो मैचेस उतने अच्छे खासे नहीं रहे इसके। लास्ट मैच में 19 रन की इनिंग आई है, तो बैटिंग तो कर सकता है, 14 का एवरेज भी है इसका T10 के अंदर, तो बैटिंग अगर आए तो बिल्कुल ही बैटिंग करके आपको दे सकता है, ठीक है। नीचे के दोनों प्लेयर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको ड्रॉप करके चलेंगे। अल्फोंस जायराजा 76 साल का इटालियन कैप्टन, खेला था कल के मैचेस में, बाकी दोस्तों अपने टाइम का खिलाड़ी रहा होगा, बाकी दोस्तों अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करूँ, एक बार देख लो आप लोग, केविन केकुला वाला है, इनको लेकर के चलना है, और एमी गुलाम या फिर डन करवा, इन दोनों में सिक्स एक प्लेयर को आप अपने अकॉर्डिंग लेकर के चलना, मर्जी आपकी रहेगी दोस्तों, ठीक है। मैचेले मोरेटिनी है, लेकर के चलेंगे। आमिर हमजा को लेकर के चलेंगे। अगर लियंड्रो जयराजा विकेट कीपिंग में इनके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन ना रहे तो इनको लेकर के चलना। बाकी नीचे से जो रहेगा इंपॉर्टेंट, बिलाल खान ही रहेगा, इनको लेकर के चलना है दोस्तों। इनके बेंच प्लेयर की बात करें तो एक बार देखो, हसन मुड़िया से लांगे हैं, खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अच्छा प्लेयर है, ठीक है। आप लोग भी जान रहे हो, अच्छी खासी बॉलिंग करता है दोस्तों, लास्ट के दो मैचेस में अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है, हालांकि लास्ट मैच खेला नहीं था। यहाँ पे महबूब अली जैसे प्लेयर्स हैं, इन लोग अगर खेलेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और एक बार आप सभी इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड भी देख लो दोस्तों, ठीक है। बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग के ओवर की, तो देखो बिलाल खान है, मैचेले मोरेटिनी है, और आमिर हमजा है, और केविन केकुला वाला है, तो डेथ और स्टार्टिंग के ओवर्स के बॉलर्स आप यहाँ पे रीड कर लो, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। स्टार्टिंग के ओवर में तो बिलाल खान ही और मैचेले मोरेटिनी है बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको, बाकी डेथ में केकुला वाला ही आता है। डेथ यहाँ पे बात करें टीम आरओआर के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों टीम आरओआर की तरफ से आरिफ मोहम्मद है, और उनके साथ दोस्तों खावनी लखनवाल हैं, ठीक है। ये दोनों आपको मोस्ट प्रोबेबली ओपन करते दिखेंगे। आरिफ मोहम्मद स्टार्टिंग अच्छा किया था 29-17, उसके बाद दोस्तों लास्ट के दो मैचेस में लगातार ये फ्लॉप रहा है। हालांकि T10 के अंदर 25 का एवरेज है, अच्छा खासा एवरेज से रन बनाया है, लेकिन दोस्तों लास्ट के दो मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं आया है इसका। विकेट कीपिंग में आपको दिखेगा आपको, और विकेट कीपिंग करता दिखेगा अगर कोई और विकेट कीपिंग ना किया तो, लेकर के चल सकते हो यार, आरिफ मोहम्मद एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, हर मैच में फ्लॉप नहीं होगा बंदा। खावनी लखनवाल हैं, देखो स्टार्टिंग के दो मैचेस में ये फ्लॉप हुआ, लेकिन दोस्तों लास्ट के दो मैचेस में ये हिट हुआ है, तो इनका जस्ट अपोजिट हुआ देख, ठीक है। ये ओपनर्स दोनों देखो एक साथ हिट नहीं हो रहे हैं, एक एक करके हिट हो रहे हैं दोनों ओपनर्स, ठीक है। बाकी दोस्तों खावनी लखनवाल एक अच्छा ऑप्शन रहेगा यार, बिल्कुल अपनी टीम में ट्राई करके चलना है इसको, बेहतरीन हिटर प्लेयर है, कल की हिटिंग आपने देखी भी होगी इसकी, ठीक है। हसन मुबासर हैं, और हसन मुबासर भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, 78-15-12 रन की इनिंग, एक मैच में 78 रन की जो इनिंग थी बढ़िया थी। बाकी दोस्तों इसकी बैटिंग आएगा तो बिल्कुल ही अच्छा खासा आपको पॉइंट्स दे करके जाएगा, एवरेज भी अच्छा है T10 के अंदर इसका, 21 का एवरेज है। कमलजीत सिंह है, 37 और 23 रन की इनिंग है, इनकी अच्छी इनिंग है, बाकी दोस्तों एवरेज उतना अच्छा खासा नहीं है इसका, लेकर के चल सकते हो। इस सीज़न में जो बैटिंग इनका देखा है ना, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इनकी बैटिंग आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा नीचे बैटिंग करने आते हैं, ठीक है। गगनदीप सिंह है, देखो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट मैच में 8 रन प्लस 0 विकेट, उसके बाद दोस्तों 54 रन प्लस 1 विकेट, जिसमें मैंने इसको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दी थी दो टीमों के अंदर, ठीक है, जिसमें बेहतरीन दोस्तों विन कराया था इस प्लेयर ने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 8 रन प्लस 1 विकेट 2 ओवर डाल के, तो प्लेयर अच्छा है, 2 ओवर की बॉलिंग भी करेगा, साथ ही दोस्तों थोड़ा टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आ जाएगा, तो आपको पॉइंट्स दे करके जा सकता है दोस्तों, ठीक है, लेकर के चलना गगनदीप को। राजविंदर सिंह है, ये 2 ओवर की बॉलिंग फिक्स करता दिखेगा, अभी तक दोस्तों जितने भी मैचेस खेले उसमें सभी में दोस्तों पॉइंट्स दिया है और विकेट्स भी इसको मिले हैं, तो बिल्कुल राजविंदर को तो लेकर के चलना है, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। उमर शहजाद है, ये भी दोस्तों एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा, लेकिन दोस्तों जीएल के अंदर ही ज़्यादा इसको पिक करने की कोशिश करना, यहाँ पर 1 विकेट 2 ओवर डाल के, यहाँ पर 1 विकेट 1 ओवर डाल के, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 23 इनिंग के अंदर 13 विकेट का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। उस्मान शहजाद हैं, राशिद सॉरी, 2 ओवर की बॉलिंग फिक्स मान के चलो, स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करेगा, एक बेहतरीन
स्टार्टिंग देता है 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। तो दोस्तों 4 मैचेस के अंदर इसके नाम 6 विकेट हो चुके हैं अभी तक, लेकर के चल सकते हो। नौमन खलील हैं, हर मैच में दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग तो नहीं कराएगा, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे 1 विकेट देख सकते हो, यहाँ पे 0 विकेट, यहाँ पे 0 विकेट, 7 इनिंग के अंदर 7 विकेट का रिकॉर्ड रखता है। ये अच्छा खासा प्लेयर है, लेकिन दोस्तों टीम की तरफ से इसको उतना ज़्यादा मौका मिलता नहीं है, ठीक है। इस्लाम उलक हैं, डोमेस्टिक मैचेस के अंदर दोस्तों अच्छा खासा रिकॉर्ड है इसका, और अभी दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग ये बिल्कुल करता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट है, तो 4 मैचेस के अंदर 5 विकेट के रिकॉर्ड है। और ये हीटिंग भी कर सकता है दोस्तों, थोड़ा बहुत ही है, इसके पास हीटिंग प्रोबेबिलिटी पावर भी है। बाकी नीचे से जो है मोहम्मद अरशद को ड्रॉप करके चलेंगे अभी के लिए। इनकी टीम से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, देखो एक बार आप लोग को मैं बताऊं तो आरिफ मोहम्मद हैं, खावनी लखनवाल हैं, इनको लेकर के चल सकते हो। हसन मुबासर हैं, कमलजीत को आपकी मर्जी रहेगी। गगनदीप सिंह है, राजविंदर सिंह, इनको लेकर के चलेंगे दोस्तों। नीचे से उस्मान राशिद हैं, इनको लेकर के चलना, और इस्लाम उल हक हैं, इनको बिल्कुल लेकर के चलना। बाकी आपके लिए जो डिफरेंशियल रहेंगे, उमर शहजाद हैं और दोस्तों नौमन खलील हैं। इन दोनों प्लेयर में से किसी एक प्लेयर को ट्राई करके चलना, आपकी मर्जी रहेगी, बाकी दोस्तों आप लोग देख लेना, ठीक है। इनके बेंच प्लेयर की बात करूँ तो देख लो एक बार यहाँ से सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप लोग, ताकि इनमें से कोई भी खेले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बात करें स्टार्टिंग के ओवर की, तो उस्मान राशिद हैं, गगनदीप सिंह हैं, इस्लाम उल हक हैं। डेथ ओवर्स की बात करें तो इस्लाम उल हक हैं, उमर शहजाद हैं, गगनदीप सिंह हैं, जो कि आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर के स्टेट्स के बारे में। बात करें दोस्तों एक डेमो टीम की, तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे एल जयराजा, इनकी बैटिंग थोड़ी मिडिल ऑर्डर में रहती है, और आरिफ मोहम्मद, ठीक है। आरिफ मोहम्मद को मैं इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि देखो ओपनिंग पे बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग आपको देख करके जा सकता है ये, ठीक है। अगर नूर मोहम्मद ना खेले तो, अगर नूर मोहम्मद खेलेगा तो दोस्तों ये आपको विकेट कीपिंग करता दिखेगा, लेकिन आरिफ मोहम्मद को लेकर के चल रहे हैं अपन। अब यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं, बैटिंग सेक्शन से जो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेंगे, के सिंह को ले सकते हो, 22% सिलेक्शन, लेकिन हिटिंग बढ़िया रहेगा इसका। यहाँ पे दोस्तों लखनवाल को अपनी टीम में अपन लेकर के चलेंगे दोस्तों, बढ़िया ऑप्शन रहेगा। किरबाई को लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, एक डिफरेंशियल प्लेयर रहेगा दोस्तों, अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी रखता है हिटिंग का, लेकर के चलना। मुझे तो पर्सनली किरबाई अच्छा लगता है, और के सिंह भी अच्छे ऑप्शन है। बाकी दोस्तों सबको नहीं ले सकता, मैं आ जाता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में, और यहाँ पे जी सिंह है, हसन मुबासर है, इनको लेकर के चलूँगा। आर सिंह है, इनको भी लेकर के चलूँगा दोस्तों। के कुलावाला हैं, हमजा हैं, इनको लेकर के चलेंगे। एम ए गुलम को लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो दोस्तों, आपकी मर्जी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे हसन मुड़िया सिलांगे ये प्लेयर है, खेलेगा तो बिल्कुल आप अपनी टीम में डायरेक्ट पिक करके चलना। मुझे लगता है कि आज का मैचेस से खेलेगा, इसीलिए मैं अपनी टीम में इसको पिक करके गया हूँ दोस्तों। मैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, और यहाँ से दोस्तों मुरटैनी को लेकर के चलूँगा, बी खान को लेकर के चलूँगा, और एक प्लेयर दोस्तों यहाँ से उस्मान राशिद है, इनको लेकर के चल सकते हो, या फिर इमाम उलक हैं, इनमें से किसी प्लेयर को भी लेकर के चल सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी दोस्तों। तो ये मेरी डेमो टीम है इस मैच की, ठीक है। फाइनल टीम मैं आपको दूंगा आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे। और यहाँ पे दोस्तों मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे जी सिंह एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, केकुला वाला एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अगर वाइस कैप्टनसी देना चाहो तो बिलाल खान को आप वाइस कैप्टनसी दे करके चल सकते हो, या फिर दोस्तों इनको भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। तो यहाँ पे कैप्टन के और वाइस कैप्टन के ऑप्शन जो हैं, देखो ये 5 ही ऑप्शन मुझे लग रहे हैं, और इन्हीं में से मैं मोस्ट प्रोबेबली रोटेट करूँगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी को। बाकी जो मेरी फाइनल टीम रहेगी वो आएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे आफ्टर टॉस, तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।